अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक ऐसी डिजीज को डिस्कस करेंगे जो ज्यादातर 50 साल से ज्यादा के अफराद में देखने को मिलती है। इसको हम बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं। मसाने के वदूद का बढ़ जाना आम जबान में इसको ज्यादातर बोला जाता है। तो इसकी वजह ज्यादातर ज्यादा उम्र का होना ही होती है। तो इसकी अलामत को अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि पेशाब करने के बाद ट्रेवलिंग वगैरह महसूस करना, इसके अलावा पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह का होना, पेशाब शुरू करते वक्त बहुत ज़्यादा जोर लगाना, रात के वक्त पेशाब का बार बार आना, पेशाब करने के बाद तनाव का महसूस करना, मसाने को प्रॉपरली खाली ना करना, और पेशाब की जो स्ट्रीम होती है, थ्रू होती है, उसका बहुत ही कम हो जाना, उसमें रुकावट का आ जाना। तो ये इसकी कॉमनली जो सिम्टम है वो देखने को मिलती है। इसको कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन बाद अवकात इसको डॉक्टर एग्जामिन करके भी कंफर्म कर लेते हैं। तो ये तमाम डिपेंड करता है डॉक्टर पर। लेकिन बाद अवकात मसाने में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होने की सूरत में जो मसाना होता है वो यूरिन से भर जाता है, और यूरिनरी रिटेंशन के नतीजे में प्राइमरी किडनी डैमेज होने का खतरा होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की कंप्लेन देखने को मिलती है। तो इसके ट्रीटमेंट में यूरोलॉजिस्ट मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन और बाद अवकात सर्जरी वगैरह भी करते हैं। मेडिसिन में ज़्यादातर अल्फा ब्लॉकर की मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ट्राइजोसिन, प्रेजोसिन, टेम्सोलोसिन मेडिसिन ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, और बाद अवकात इसके साथ कुछ कम्बिनेशन में डायूरेटिक की मेडिसिन को भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बाद अवकात सिंगल मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है और बाद अवकात इसके साथ कुछ कम्बिनेशन को इस्तेमाल भी करवाया जाता है। आज की वीडियो में हम टेम्सोलोसिन को ही डिस्कस करेंगे। टेम्सोलोसिन जो कि सोलोसिन के नाम से आती है, 0.4 मिलीग्राम इसकी पावर होती है, और इसको अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये आपके जो प्रोस्टेट के ग्लैंड होते हैं उनको श्रिंक नहीं करती, बल्कि जो इस पर मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स कर देती है, जिससे यूरिन का जो फ्लो होता है, यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो प्रॉपरली हो जाती है, यूरिन को पास करने में किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं आती, यूरिन आसानी के साथ बॉडी से पास आउट हो जाता है, और जो मसाने पर दबाव होता है वो भी कम हो जाता है। और याद रखें कि इसको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको सिर्फ इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट में ही इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। टेम्सोलोसिन के कैप्सूल को पानी के साथ दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करवाना ज्यादा बेहतर है। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से डिजीनेस हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, जीआईटी की मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, विजन वगैरह वीक हो सकती है, बॉडी में वीकनेस वगैरह आना शुरू हो सकती है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है, ये इसका साइड इफेक्ट आ सकते हैं। मैं कहता हूँ आज की वीडियो से आपको फायदा पहुंचा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।